बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द 14 बैरोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, 14 बैरोमीटर जो है ये भी हमारे पास एक ख़ास किस्म का इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में सिंपल मर्करी बैरोमीटर के बारे में पढ़ा था और हमने उसका प्रोसीजर जाना था कि किस तरह एक सिंपल मर्करी बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, इसी तरह आज हम 14 बैरोमीटर के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 14 बैरोमीटर क्या चीज़ है? इट इज़ या दिस इंस्ट्रूमेंट लाइक द सिंपल बैरोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट सिंपल बैरोमीटर की तरह है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी मरकरी यूज़ होती है और इसके अंदर भी मरकरी यूज़ होती है, लेकिन ये जो 14 बैरोमीटर है ये सिंपल मर्करी बैरोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म है। कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब, ये जो है एक ग्लास ट्यूब के ऊपर मुश्तमिल होता है, यानी कि ये जितनी भी होल अरेंजमेंट है ये एक ग्लास ट्यूब के अंदर फिक्स होती है। रिजर्वायर, और एक रिजर्वायर होता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक रिजर्वायर। रिजर्वायर मीन जिसके अंदर हम एक चीज़ को रिजर्व रख सकते हैं इस्तेमाल के लिए, ठीक है, ऑफ मरकरी, यानी कि ये जो रिजर्वायर है इसके अंदर हमारे पास मरकरी मौजूद होती है। एन अमार्क स्केल, और एक स्केल होता है, ठीक है। दिस द मरकरी इज इन अ लेदर बैग, और ये मरकरी जैसे कि हमने रिजर्वायर के बारे में पढ़ा, ये रिजर्वायर जो है ये लेदर बैग के ऊपर मुश्तमिल होता है, यानी कि ये एक लेदर बैग होता है जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये एक लेदर बैग है, इसके अंदर हमारे पास मरकरी मौजूद होती है। कभी कभार मरकरी का लेवल अप डाउन होने से हम इसको एडजस्टेबल स्क्रू के ज़रिए से एडजस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से इस स्क्रू को घुमाते हैं तो ये स्क्रू हमारे पास अप एंड डाउन होता है, और इसी तरह इस बैग के अंदर हमारे पास मरकरी का लेवल एडजस्ट होता है, और ये मरकरी हमारे पास एक पॉइंटर या स्केल के साथ टच होती है। तो जिस तरह हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा या कम होने की वजह से मरकरी का लेवल अप एंड डाउन होता रहता है, और ये मरकरी का लेवल अप एंड डाउन होने की वजह से ये जो वर्नियर स्केल आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर ये मार्कर जो है ये भी अप एंड डाउन होता है और आपको एटमॉस्फेरिक लेवल शो करता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें ये होल अरेंजमेंट, यानी जितना भी ये मरकरी बैरोमीटर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा होता है, यानी कि एक वुड का प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर ये तमाम अरेंजमेंट जो हैं ये फिक्स होती है। ये आपके पास इसके कुछ हिस्से दिए गए हैं, जैसा कि ये है हमारे पास वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल का क्या मतलब है? वर्नियर स्केल का मतलब है जो हमारे पास मूव करता है अप एंड डाउन या साइड टू साइड, उसको हम क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास वुडन बोर्ड जिसके ऊपर ये तमाम अरेंजमेंट फिक्स होती है। फिक्स पॉइंटर, यानी ये फिक्स पॉइंटर हैं इसके साइड पर, जिसके साथ हमारे पास ये बैग लेदर बैग फिक्स होता है। इसके अलावा रिजर्वायर, ये हमारे पास रिजर्वायर कहलाता है। लेदर बैग, ये लेदर बैग है। एंड एडजस्टेबल स्क्रू, और ये एडजस्टिंग स्क्रू है जिसके ज़रिए हम मरकरी को एडजस्ट करते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 14 बैरोमीटर ये हमारे पास
सिंपल मर्करी बैरोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म है और इस बैरोमीटर के जरिए नापा जाने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये सिंपल बैरोमीटर से कुछ हद दर्जे तक एक्यूरेट होता है, यानी कि जो खामियां सिंपल मर्करी बैरोमीटर में रह गई थी वो खामियां इसके अंदर से निकाल दी गई हैं, और जो कमियां यानी जो कमी सिंपल बैरोमीटर के अंदर थी वो कमी इसके अंदर नहीं है, यानी ये बैरोमीटर हर लिहाज से सिंपल मर्करी बैरोमीटर से एडवांस है और इसकी जो रीडिंग है वो इससे एक्यूरेट है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। वस्सलाम।